हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। ये है सेटाफिल के बारे में। ये है कनाडा का एक ब्रांड, इधर मेंशन भी है मेड इन कनाडा। सो ये ब्रांड जो है, मैं जब यहाँ यूके में आ गई तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी रेटिंग थी, तो मैंने तो सोचा कि मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। पहले ये प्रोडक्ट इतना फेमस नहीं था, लेकिन लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया तो इसकी रेटिंग अप हो गई थी बहुत ज़्यादा। अभी भी ये बहुत ज़्यादा रेंज में है, इसको बहुत लोग पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी ये चीज़ है कि इसके वैसे वो भी हैं सनस्क्रीन, लोशंस, इसके क्लिंजर, बहुत कुछ, अब इसके आई क्रीम बहुत कुछ आ चुका है इसके। अब तो क्योंकि पहले ये लॉन्च किया इन्होंने, तो उसके बाद इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इसके इनके अप जा रहे हैं, रेटिंग अच्छी जा रही है, तो इन्होंने अभी आई क्रीम, लोशन और वो क्या क्रीम्स वगैरह भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें से कोई परफ्यूम या सेंट वगैरह की स्मेल आ रही हो, वो बहुत इरीटेट करता है। तो ये है ड्राई स्किन, मैंने लिया था ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर आपकी एक्नी स्किन है, अगर आपकी है लाइक सेंसिटिव स्किन है, आप कुछ भी अप्लाई करते हैं आपको सूट नहीं करता, एक्नी हो जाती है या रैशेस हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। एक ये कि ये जब आप लगाते हैं ना, तो कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो चिपकने लग जाते हैं, वो देर तक रहते हैं, मतलब लोशंस वगैरह। तो ये इसका एक या दो ड्रॉप भी लगाएंगे ना, हल्का सा लगा के और अपनी स्किन पे लगा लेंगे, उसके बाद ये कुछ मिनट बाद ये बिल्कुल अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि स्किन पे है, इरीटेट नहीं करता। और दूसरा ये कि मैंने इसको ऑलमोस्ट साल यूज़ किया है, 1 ईयर यूज़ किया है, तो मुझे ये बहुत सूट किया है। और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो इसको ले सकते हैं, बूथ्स वगैरह से मिल जाएगा यूके में रहने वाले लोग, और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको द्रास से मिल जाएगा, और अगर इंडिया में रहते हैं तो आप लोगों को अमेज़ोन से इजीली अवेलेबल है ये। बस ये है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, अगर आप लोग यूके में रहते हैं तो आई थिंक आपको मिल जाएगा 4-7 पाउंड का, आई थिंक 7 पाउंड का। और जो मैंने ये बड़ी बोतल ली थी ये मुझे मिल गया था 11 पाउंड का, तो ये, और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको 5,000 का पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ ये बिल्कुल भी कोई वेस्ट मनी नहीं है आप लोगों की, क्योंकि ये एक तो अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। मैंने ये छोटा सा था, मैंने 8 मंथ यूज़ किया है, तो आप खुद ही सोच लें 8 मंथ यूज़ किया हो तो पर अब हमने इतना कुछ लोशन वगैरह लगाते हैं लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी स्किन है, लाइक किसी को नहीं पता होता हमारी कम्बिनेशन है ऑयली है कौन सी स्किन है, तो आप इजीली ये ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। और दूसरा ये कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ सर्दियों में यूज़ कर लें और गर्मियों में से बिल्कुल अवॉइड कर दें, कोई नहीं। और लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सर्दियों में भी यूज़ करें, गर्मी में भी यूज़ करें, मेरे तो है, मैं तो करती हूँ, लेकिन सर्दियों में फिर मैं 2-3 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। दूसरा ये कि अगर आपकी ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है लाइक मेरी तरह, तो आप लोगों ने हमेशा इसको पहले स्किन को वेट करना है हल्का सा, उसके बाद इसको लगाना है, तो फिर ना अच्छे से स्किन ना इसको लोशन को अब्सॉर्ब कर लेती है। और अगर आपको कुछ भी और पूछना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्या मेरे लिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, थम्स अप। एंड मैं इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कहाँ से आपको इजीली अवेलेबल होगा और आप इसे परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, इसका ये पंप भी है, इसे बस ऐसे करते हैं ये निकल आता है, ये ख़त्म हो चुका है मेरा, ख़त्म, तो इसलिए मैंने न्यू लिया है ये। बाय बाय, टेक केयर। मैं और न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। इसका क्लिंजर भी मैं अप्लाई करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप देखिएगा। ओके बाय बाय।